उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को मुकम्मल करे। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र जी हैं। सर, इस बार चुनाव में कहाँ देख रहे हैं बीएसपी को, क्योंकि चर्चा है कि इस बार फाइट बीजेपी और सपा के बीच। देखिए, अगर आप पोल प्रेडिक्शन उस पे जा रहे हैं तो उस पे तो मुझे कुछ इसलिए नहीं कहना है कि इसके हम लोग आदी हो चुके हैं और हमारी पार्टी के लोग भी आदी। हमारी पार्टी का जो सपोर्टर है, वोटर है, इसीलिए वो इसको देखते ही नहीं। जब ये होता है ना कि आज देखिए, आज पता लगेगा कि आज 50 लोगों ने क्या कहा और ये कौन जीतने वाला है। हम लोग ज़मीन में काम करते हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। हम लोग बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं और हम लोगों की जो सभाएं हो रही हैं वो आज आपने भी देख ली। इसी तरह की सभाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, हर ज़िले में हमने सभाएं की हैं और ये दूसरा दौर चल रहा है, मंडल का दौर चल रहा है। रिजर्व सीटों पे, ये रिजर्व सीटों पे हम चल रहे हैं जहां पर हम लोग 2007 में 62 सीटें जीते थे। इसी तरह के दौरे करने के बाद अब की बार हम लोग उसी में चल रहे हैं और ये निश्चित रूप से, आपने पूछा कहाँ हैं, निश्चित रूप से हम सबसे आगे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित है। आप जो ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के जनता के बीच, ब्राह्मण वोट बैंक कहा जाता है कि वो बीजेपी का कोर वोट है, वो बीजेपी के ही साथ जाता है। देखिए, ब्राह्मणों, बीजेपी ने तो ब्राह्मणों को अपना दुश्मन मान लिया है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, वो तो ब्राह्मणों की शक्ल तक नहीं देख सकते, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। और वो ब्राह्मण, आपको मालूम है, 100 से ज़्यादा तो इनकाउंटर हो चुके हैं। अभी क्या हुआ, रेणु शर्मा को जेल में बंद कर दिया हाथरस में और उसके बाद उसकी बेल भी हो गई। सिर्फ ब्राह्मण ही थे, यही तो दोष था उसका। और उसके बाद उसका मृत शरीर ही बाहर निकला, बेल मिलने के बाद भी उसको बाहर नहीं आने दिया। किस तरह से खुशी दुबे को आज 1.5 साल से जेल में रखा हुआ, क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्राह्मण भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, वो बोले कुछ भी ना बोले तब भी, लेकिन अब की बार उसने मन बना लिया। जिस तरह से उसने 2007 में समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया था, अब की बार भारतीय जनता पार्टी का ये धर्म का ढोंग तौंसला और इनका ये सब ढोंग और ब्राह्मणों के प्रति, जिस तरह से दलितों के प्रति, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के प्रति इनका द्वेष है, वो किसी से छुपा नहीं है। और इसलिए अब की बार ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी, जिसने कि उसने उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार लाने का काम किया, तो उसी के साथ में जाएगा। एक बार इनकम टैक्स की रेट बहुत हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में इनकम टैक्स की रेट हो गई है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और फोन टैपिंग का आरोप लगा। देखिए, फोन टैपिंग और ये सब तो बहुत पुरानी चली आ रही है, आपको लग रहा है मौजूदा वक्त में, और ये हम लोगों को इसकी फुर्सत ही नहीं है। सही माने में हम तो पिछले 23 जुलाई से घर से निकले हैं बाहर, तो घर तो कभी कभी बीच में कपड़े बदलने के लिए और सामान बदलने के लिए पहुंच जाते हैं, वरना तो पूरे प्रदेश के जिले जिले में घूम रहे हैं और इन सब चीज़ों की जगह हम तो प्रदेश के जनता, हाँ सभी लोग लगे हैं, हमारे परिवार के सभी लोग लगे, तो इसी वजह से तो हमको घर के बाहर भी हैं तो लग रहा है घर में। फोन टैपिंग का खतरा तो है ना, लेकिन देखिए उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। हमको कोई बताए तो हम ऐसे ही उनको अपना फ़ोन टैप करवा देंगे, अच्छा है उनको अपने बारे में उससे खुलासा होता रहे। हमारे साथ बात करने के लिए कपिल जी भी हैं, जरा जिस तरीके से जैसे क्या देख रहे हैं और आप युवा चेहरा भी हैं। नहीं, जहाँ जाके मैं पिछले जब मेरे पिताजी ने शुरू करे थे जो ब्राह्मण और उच्च वर्ग के लोगों के साथ 23 जुलाई से, जब मैं जगह जगह उनके साथ